हम पूरी तरह से जमीन पर, इसलिए हमारा जमीन घिसकाने का कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता है। जो हवा में है उनके लिए जमीन घिस सकता है, हमारा जमीन पूरी तरह से, हमारे नेता कार्यकर्ताओं का पैर हमेशा जमीन पर रहता है। उठते हैं तो जमीन को छोड़ते नहीं है, उड़ रहे हैं उनको जमीन की तलाश करनी पड़ेगी। तो ये जो पलटी मारने वाले से ना पूछिएगा, 2017 में उन्होंने क्या कहा था, वहां मन मेरा दम घुट रहा था, वहां प्रेशर में थे, दबाव बहुत था। 2017 में यही शब्दों का प्रयोग किया था और 2017 में कहा था कि मैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकता। तो आज कौन सी परिस्थितियां बदल गई? क्या वो पूरी तरह से दूध के धो दिए गए तेजस्वी यादव? हम पूरी तरह से जमीन पर, इसलिए हमारा जमीन घिसकाने का कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सकता है। जो हवा में है उनके लिए जमीन घिस सकता है, हमारा जमीन पूरी तरह से, हमारे नेता कार्यकर्ताओं का पैर हमेशा जमीन पर रहता है। उठते हैं तो जमीन को छोड़ते नहीं है, उड़ रहे हैं उनको जमीन की तलाश करनी पड़ेगी। तो ये जो पलटी मारने वाले से ना पूछिएगा, 2017 में उन्होंने क्या कहा था, वहां मन मेरा दम घुट रहा था, वहां प्रेशर में थे, दबाव बहुत था। 2017 में यही शब्दों का प्रयोग किया था और 2017 में कहा था कि मैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकता। तो आज कौन सी परिस्थितियां बदल गई? क्या वो पूरी तरह से दूध के धो दिए गए तेजस्वी यादव? भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, यही शब्द था नीतीश कुमार का। तब भारतीय जनता पार्टी ने सामने के दरवाजे से जाकर उनको समर्थन दिया था। आज भ्रष्टाचार से उन्होंने समझौता किया तो अपने घर के पीछे के दरवाजे से निकलकर जाकर माफी मांगा और उसी भ्रष्टाचार मॉडल को मुख्यमंत्री आवास में लाकर मुख्यमंत्री के आवास को भ्रष्टाचार का मॉडल बना दिया है नीतीश कुमार ने। यही परिभाषा है नीतीश कुमार की। देखिए ललन बाबू क्या कहते हैं, ललन बाबू ने तो खुद नीतीश कुमार को कितना बार डिच दिया है, क्या नहीं कहा, क्या नहीं शब्दों का प्रयोग किया है। उपेंद्र कुशवाहा, ये वो लोग विश्वास की बात कर रहे हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को सबसे अधिक ठगा है। ललन सिंह ने नीतीश कुमार के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग नहीं किया, उपेंद्र कुशवाहा ने कितने नीचे जाकर नीतीश कुमार के लिए जो शब्द का प्रयोग किया, सभी का सबसे बड़ा कहने में भी थोड़ा वही। अब मैं उस तरह का शब्द का प्रयोग ना हमारे संस्कार में ना हमारे विचार में है। अभी कुछ दिन पहले तक तेजस्वी यादव क्या बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के भी गए थे तो भी हम लोगों ने कभी नीतीश कुमार पर उस प्रकार का व्यक्तिगत हमला नहीं किया। लेकिन आज की परिस्थितियां क्या है, नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार है जो भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, आज भ्रष्टाचार का मॉडल बनाकर बिहार में पेश कर रहे हैं।